चिराग यूथ फाउंडेशन ने विश्व पर्यावरण दिवस पर साकेत कॉलोनी चौराहा के पास वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में संस्था से जुड़े लोगों ने पर्यावरण रक्षा के लिए कई पौधे रोपित किए। चिराग यूथ फाउंडेशन ने विश्व पर्यावरण दिवस पर साकेत कॉलोनी चौराहा के पास वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में संस्था से जुड़े लोगों ने साकेत कॉलोनी चौराहा से भोगीपुरा रोड के डिवाइडर पर ट्री गार्ड के अंदर मृत अवस्था में पड़े पौधों को हटाकर नए पौधे लगाए। हमारा कर्तव्य, हमारा कार्य केवल ये है कि हम लोग पेड़ लगाएं। लगातार आप देख रहे हैं एसी से तापमान बढ़ता जा रहा है, 50 डिग्री टेम्परेचर आगरा में हो गया। हम लोगों ने चिराग फाउंडेशन पर्यावरण पर काम करता है, चंद्रशेखर शर्मा जी पर्यावरण दे, हम उनके नेतृत्व में सारा कार्य करते हैं। और सबसे बड़ा बात हम लोगों ने आज ये करी, आज पूरे साकेत कॉलोनी में, चौराहे में, सीओडी कॉलोनी, न्यू चांद कॉलोनी, मीनार फील्ड, आसपास ये कॉलोनियाँ जो हैं, फ्रेंड्स कॉलोनी, हम लोगों ने यहाँ पर जाकर देखा जो जो मृत पौधे पड़े। आपने देखा जैसे ट्री गार्ड था, ये ट्री गार्ड लगा हुआ था यहाँ पर, इससे पहले भी आप तीन जगह आपने देखा यहाँ पौधे मरे हुए थे, हम लोगों ने यहाँ नया पौधा लगाया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, यूनेस्को द्वारा संचालित, तो अपने शहर देश में, अपने शहर आगरा में भी हम इसे मना रहे हैं। तो हमने चिराग सोसाइटी की तरफ से निर्णय लिया है कि जो ट्री गार्ड लगे हैं लेकिन उसमें पौधे मर चुके हैं, हम शहर में विभिन्न क्षेत्रों में जा जाके वहाँ पे जो पौधे लग सकें आगरा शहर में वातावरण को शुद्ध करें। विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित इस अनूठे कार्यक्रम में शामिल संस्था के महामंत्री रोहित बडेरा ने कहा कि इन पौधों को संस्था गोद लेकर इन्हें पानी देने का काम करेगी जिससे यह जल्द बड़े हो सकें। देखिए, आज हमने उन मृत पौधों को यहाँ पे दोबारा जीवित करने का कार्य किया है और जिस घर के आगे ट्री गार्ड लगे हुए पौधे मृत पाए गए हैं उन लोगों से पूछा गया, उन लोगों की सहमति से उन्होंने कहा हम इसको रोज इस पर पानी दिया करेंगे, उसका ध्यान रखा करेंगे जिससे कि ये पौधा बड़ा हो। और एक ही संदेश के संग कि अब बचेगी तभी धरा जब प्रति व्यक्ति लगाएगा एक पौधा हरा। संस्था आने वाले कुछ दिनों में इस कार्यक्रम को चलाकर शहर में ट्री गार्डों में लगे मृत पौधों के स्थान पर नए पौधे लगाने का कार्य करेगी। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट। आगरा के लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। We'll be right back.